आज हम हमारा सेकंड चैप्टर देखने जा रहे हैं कंप्यूटर का, जिसका नाम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज हम क्या देखेंगे, हमारे टॉपिक का नाम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन जो है कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1942-1956, मतलब 1940 से लेके 1956 तक कौन सी जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन। अब इस जनरेशन में जो कंप्यूटर बनाए गए उनकी क्या खासियत थी, तीन मेन करेक्टरिस्टिक थी जो हमने अभी धीरे धीरे वन बाई वन डिफाइन करेंगे। सबसे पहले है मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इसमें कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज होता था, इसमें होता था हमारा वैक्यूम ट्यूब। किसका यूज होता था दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब्स का। दूसरा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी, हमारी मशीनी लैंग्वेज उस टाइम जो थी वो यूज होती थी। तीसरा जो है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में क्या यूज होता था, मैग्नेटिक टेप। और दूसरा जो है वो हमारा पंच कार्ड यूज होता था। क्या यूज होता था दोस्तों, पंच कार्ड। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। सबसे पहले मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब्स। दूसरा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या यूज होती थी, मशीनी लैंग्वेज। कौन सी होती थी, मशीनी लैंग्वेज। तीसरा है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से यूज किए जाते थे, मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कुछ फर्स्ट जनरेशन के मेन इंपॉर्टेंट इनिशियल कंप्यूटर जो थे, मींस एग्जाम्पल जो थे, वो थे ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म बनती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये किसके द्वारा बनाया गया, जे प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा और जॉन वी मोस्ले के द्वारा। कब बनाया गया, 1946 में। ये पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर माना जाता है और ये बड़ा ही साइज में और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। दूसरा, इसमें कितने वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे, 18,000। दूसरा जो है एडवैक, EDVAC, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। थर्ड है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन 1952। किसने की, EDVAC की और UNIVAC की खोज, इन दोनों व्यक्ति ने इन दोनों मॉडल्स की खोज की, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन वी मोस्ले। ये तीन जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत फेमस रहे क्योंकि इनका मोस्टली टाइम यूज किया गया। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हैं फर्स्ट जनरेशन के, वो हैं हमारे IBM 650 और IBM 701। अब हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट जो जनरेशन है वो है हमारी सेकंड जनरेशन। ये 1956 से लेके 1963 तक चली। कहाँ तक चली दोस्तों, 1956 से 1963 तक। इस टाइप के कुछ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर नज़र आते थे। इनमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था हमारा, ट्रांजिस्टर। क्या था दोस्तों, ट्रांजिस्टर। ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, इसमें चलती थी हमारी मशीनी लैंग्वेज और दूसरी जो थी वो थी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में क्या यूज होता था, मैग्नेटिक टेप और दूसरा हमारा पंच कार्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, जो सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल्स थे वो कुछ ऐसे थे, PDP-8। PDP की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर। दूसरा IBM 1400। IBM की फुल फॉर्म जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है सीरीज आई थी IBM 14 सीरीज, उसके बाद IBM 7090, IBM 7094, UNIVAC 1107, CDC 3600, मीन्स CDC 3600। CDC की जो फुल फॉर्म है वो है चेंज डाटा कैप्चर एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन की तरफ। नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको बोलते हैं हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये 1964 से स्टार्ट होकर कहाँ तक गई, 1971 तक। ठीक है दोस्तों,
इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था? हमारा था मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आईसी, जिसको हम फुल फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। फुल फॉर्म में क्या लिखा जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी इसमें? हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में कौन कौन से डिवाइस यूज होते थे हमारे? प्रिंटर, पंच कार्ड, मॉनिटर एटसेट्रा। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, आईबीएम 360, आईबीएम 370 और पीडीपी 11, ये इसके एग्जांपल थे। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर दोस्तों कुछ इस तरह का दिखाई देता था। नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन है वो है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन 1971 से लेके 1990 तक चली बेटा। उसके बाद मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या थे इसमें? इसमें थे हमारे VLSI, जिसकी फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता था? एक सिलिकॉन की चिप होती थी जिसको हम माइक्रोचिप बोलते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए थे। क्या लगे होते थे? ट्रांजिस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। इस पूरे डिजाइन को क्या बोलते हैं? हम माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर जो है एक माइक्रोचिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगाकर बनाया जाता था। और फोर्थ जनरेशन जो है इस प्रकार का जो कंप्यूटर डिजाइन था इस प्रकार का हुआ था। उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन, आईबीएम पीसी, स्टार 1000, एप्पल, एल्टर 8800 एटसेट्रा। नेक्स्ट जो जनरेशन है हमारी दोस्तों वो है फिफ्थ जनरेशन। ये हमारी लास्ट जनरेशन है जो अभी तक चल रही है। ये 1990 से लेके प्रेजेंट तक अभी तक यही चल रही है। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था इसमें? यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या है दोस्तों? इंटीग्रेशन। इसको हम एआई भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी हमारी? इसमें नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज यूज होती थी। कौन सी यूज होती थी दोस्तों? नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हम ह्यूमन लैंग्वेज भी बोलते हैं। कुछ इस प्रकार जो है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर नजर आते थे। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में इसमें हमारे टच स्क्रीन के जितने भी फोन हैं या इक्विपमेंट्स हैं वो सारे आते थे। दूसरा मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और हमारा स्कैनर, ये सारे किसमें थे? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कुछ इस प्रकार हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ठीक है बेटा, ठीक है दोस्तों। ये जो है हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर था। आई होप आज जो हमने समझाया है वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।